ऐसा हो गया, कितने दिन हो गया था। बलजीत सिंह गिल, रिटायर्ड SDO PWD B&RC जी, इस क्षेत्र का निवासी हूँ मैं। और कहना तो यही चाहेंगे आपके माध्यम से प्रशासन को, प्रशासन तो कोई चेताया है ही नहीं, क्योंकि देखो मेन तो यही है कि ये एक सड़क की रिकंस्ट्रक्शन का मामला है, कोई ऐसा है नहीं भाई नई सड़क की डिमांड है, नए पुल की डिमांड है, कोई ऐसे तो मामला है ही नहीं। ये तो एक सरकार प्रशासन का दायित्व तो है पहले तो, कि भाई ये जब सड़क टूटी पड़ी है इसके ऊपर कम से कम 10-12 गांव पड़ते हैं, ये 60,000 की आबादी है, ये इससे आना जाना शहर का इसी के थ्रू है, तो ये तो प्रशासन की जिम्मेवारी है पहले तो। मैं तो समझूंगा कि प्रशासन का फेल्योर है ये, कि भाई इस तरह का काम तो अपना आप ही करना चाहिए था, इसके लिए धरने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी, फिर भी हमें मजबूरन जो है ना ये धरना धरना पड़ेगा। आगे तो जी अभी देखते हैं, आश्वासन दे रहे हैं तो जब अगर ये इसका मैटर सॉल्व हो गया तो ठीक है जी, अदरवाइज तो फिर अगले वाले स्टेप तो हम लेंगे ही लेंगे। क्या फैसला रहेगा चुनाव का? तो देखो जी चुनाव से पहले तो अगर ये नहीं बनी तो फिर चुनाव में तो विरोध होगा ही होगा, ये तो पूरे क्षेत्रवासी इससे नाराज हैं इस बात पे सरकार से, और पूरा विरोध होगा जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। मैं महापंचायत प्रधान अशोक कुमार यादव, हमने जी बीजेपी के का 3 बार विधायक बना दिया यहाँ से, और बड़ी उम्मीद थी कि बीजेपी सरकार बनेगी और हमारे जो है मोहल्ले का इन चारों वार्डों का विकास होगा, लेकिन शायद वो हमारी भूल थी। और अब अगर हमारी इस समस्या का हल नहीं होया तो अब की बार बीजेपी को वोट हम नहीं देंगे, उसमें विधायक और MP दोनों सोच लें, अगर वो किसी घमंड में या कोई मुखालत में रह रहे हो तो वो बहम निकाल दें। ये 60,000 की आबादी है, अब की बार वोट नहीं देंगे, या तो वो इनमें विधायक या MP यहाँ आके हमें आश्वासन दे और अब कुछ समाधान निकाले, नहीं तो अब की बार ऐसा काम कर देंगे कि दोबारा जो उन्होंने राजनीति करने के लायक नहीं छोड़ेंगे, हम वोट नहीं देंगे, बिल्कुल पूरा बहिष्कार करेंगे, एक भी वोट नहीं देंगे उनको। ये हमारे जो है पूरे 60,000 आबादी का शपथ है। ये बात करें 6 दिन हो गए, कौन कौन लोग आए और क्या उम्मीद करते हैं? हमें 6 दिन हो गए जी, विपक्ष की पार्टी आ रही है, विपक्ष के पास क्या है, ये तो रूलिंग पार्टी के पास है और इतना बड़ा कोई काम नहीं है, इसको B&R में जो है बदली करवाओ, और ये रोड छोटा रोड है, 1.5 किलोमीटर का रोड है, बनवाओ, अब पानी बरसात होगी पानी भर जाएगा, हमारे बच्चे लेडीज कहाँ से निकलेंगे, पैदल आदमी चल सकता नहीं, साइकिल नहीं चल सकती, मोटरसाइकिल नहीं चल सकती, सारे शिविर के ढक्कन है वो खुले पड़े हैं, इसलिए सरकार थोड़ी सी जाग जाए, नहीं तो जो है आने वाला परिणाम इनके लिए बहुत बुरा होगा।